हेलो एवरीवन, दिस इज दिवम मोर फ्रॉम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। गाइस, सीटेट का एग्जाम होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस समय पे आपको अपनी सेहत पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपकी सेहत अच्छी रही तो आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे, अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं करके आ पाएंगे। सेहत को अच्छा रखने के लिए आप प्रॉपर 6 से 8 घंटे नींद लीजिए, सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए, हेल्दी फूड खाइए, उसके बाद आप अपना रिविजन करिए और केवल केवल अपना ही बनाए हुए नोट्स से रिवीजन करिए। आप इधर उधर भटकिए मत, किसी भी इधर उधर क्लासेस मत लीजिए। आपने जो अपने हाथ से बनाया है, किसी भी बुक्स में अपने से हाईलाइट किया है, आप उसको ही रिवाइज करिए केवल। और आप पर डे 1 सब्जेक्ट रिवाइज करिए, 5 दिन में आप 5 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेंगे और आपको आत्मसंतुष्टि भी मिल जाएगी कि हाँ, मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और मेरा पूरा रिवीजन हो चुका है। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि ये पता चलता है कि हम कितनी देर में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन को आप 120 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं, आपने 30 मिनट घर में प्रैक्टिस सेट में बचा रखे हैं, तो आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो वही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको दो से तीन बार पढ़ना होगा, वो 30 मिनट आपके वहां पर काम आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर लगाने से आपको पैटर्न मालूम पड़ेगा, पैटर्न क्या पैटर्न है सीटेट का, आप उस पैटर्न से प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के 2 दिन आपको ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, केवल सोशल नेटवर्क से दूर रहना है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। लास्ट के 2 दिन में आपको रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना है। लास्ट वाले 1 दिन तो मैं कहता हूँ कि एक भी पढ़ाई नहीं करना, उसमें केवल रेस्ट करिए और अपना एग्जाम देने जाइए। आपका एग्जाम बेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।